Okay, हेलो एवरीवन. सो इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस सीरीज वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सीरीज की लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि सीरीज को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो उसमें एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि इफ़ वी जस्ट यूज़ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई जस्ट शो यू सीरीज ए, तो ये एक सीरीज ए है. इफ़ आई शो यू सीरीज बी, अगर मैं आपको सीरीज बी शो करता हूँ तो ये एक सीरीज बी है. नाउ यहाँ पे जैसे हमारी ये दो सीरीज हैं, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू राइट सीरीज ए प्लस, सॉरी प्लस, एंड इफ यू राइट सीरीज बी. तो आई हैव एक्सप्लेन दैट इन दैट केस इट एक्चुअली एड्स अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स लेबल्स. दैट इज यहाँ पे जैसे ए है ये इंडेक्स लेबल, तो इट विल सर्च फॉर द इंडेक्स लेबल इन सीरीज बी. तो सीरीज जब हमने प्लस कर रहे हैं सीरीज बी को ए के साथ, तो इट विल गो एंड लुक फॉर द इंडेक्स लेबल ए इन द सीरीज बी, एंड ओनली देन इट विल एड दीज टू नंबर्स. तो इट विल एड वन विद -10, तो -9 शो करेगा. सिमिलरली बी विल ट्राई टू लुक फॉर इंडेक्स लेबल इन सीरीज बी, अगर उसको नहीं मिलता है देन इन दैट केस द एडिशन विल एक्चुअली रिजल्ट इन एन ए एन, तो उस केस में वो एन ए एन रिटर्न करता है. एन ए एन इज बेसिकली नॉट अ नंबर, ठीक है, एंड सो ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ देम. सो इफ यू जस्ट एग्जीक्यूट दिस, ठीक है, इफ यू जस्ट एग्जीक्यूट दिस, तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द प्रीवियस वीडियो कि ए रिटर्न -9.0, बी रिटर्न एन ए एन, बिकॉज सीरीज ए के अंदर बी था लेकिन सीरीज बी के अंदर वो बी नहीं था. सी दोनों में है, इफ यू कैन सी द सीरीज, सी एग्जिस्ट हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -50 है, तो -47 इसने शो कर दिया. डी की बात करते हैं, तो यहाँ पे डी है, बट दैट डी डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज बी. तो सीरीज बी में डी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो इट रिटर्न एन ए एन. एंड सिमिलरली ई एग्जिस्ट इन सीरीज ई एग्जिस्ट इन सीरीज बी ऑल्सो. तो यहाँ पे ई की वैल्यू 5 है सीरीज ए में, और सीरीज बी के अंदर ई की वैल्यू 100 है. तो इट एक्चुअली एड एंड देन इट रिटर्न 105. बट अगर हम एड करना चाहते हैं दोनों सीरीज को, एंड वी डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली रिटर्न दिस वैल्यू, एन ए एन रिटर्न नहीं करना हमें, वी शुड एक्चुअली गेट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी बी हेयर, तो यहाँ पे अगर आप बी देखोगे तो बी की वैल्यू 2 है. ओके, नाउ इफ वी एड दैट बी ऑफ विद द वैल्यू ऑफ 2 विद अ नोन एग्जिस्टिंग लेबल, तो यहाँ पे लेबल नहीं है, बट इट एटलीस्ट इट शुड शो ओनली 2, एन ए एन ना शो करे. तो उसका एक वर्क अराउंड हमारे पास होता है कि एक एक्स्ट्रा फंक्शंस है जो हम यूज कर सकते हैं वाइल एडिंग सीरीज और वाइल एडिंग वाइल सब्ट्रैक्टिंग सीरीज और मल्टीप्लाइंग सीरीज. तो वो हम लोग देखते हैं कैसे. उसके लिए आप क्या करोगे, यू कैन राइट सीरीज, ओके सॉरी, सीरीज ए डॉट, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव 4 फंक्शंस. यू कैन यूज एड इफ यू वांट टू एड, यू कैन यूज सब इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, यू कैन यूज एम यू एल इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, and you can use div if you want to divide, and this is a function. So because right now I am going to add the numbers, so I can use an add, and add because ye function hai to add likhne ke baad aapko opening parenthesis open karna hai. yahan pe dusri series ka naam likhna hai jo aap add karna chahte ho iske andar, to you can write series b, and then after that you can give, agar simply main abhi close karta hu aur enter press karta hu, the same output is there. जो हम लोगों ने पहले देखा था सीरीज ए प्लस सीरीज बी, द सेम आउटपुट इज देयर. बी स्टिल हैव एन ए एन, डी स्टिल हैव एन ए एन, वाई एंड जेड ऑल्सो हैव एन एन ए एन. यू कैन सी द एग्जैक्ट आउटपुट. बट यहाँ पे व्हेन वी यूज द फंक्शन, सो वी कैन एक्चुअली यूज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट हेयर, दैट इज फिल अंडरस्कोर वैल्यू. तो आप वो यूज कर सकते हो, देखते हैं कैसे. सो इफ यू यूज सीरीज ए डॉट एड, बिकॉज इट इज अ फंक्शन, एंड इफ यू ओपन अ पैरेंथेसिस, so in that case you can write the name of the series that you want to add with series a, then comma करके आप एक argument इसको दे सकते हो. उस argument को हम, that argument is fill underscore value,
एंड इक्वल करके यू कैन स्पेसिफाई अ वैल्यू कि जहां पे NaN है, मतलब जहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वहां पे उसकी प्लेस पे क्या रखें। जैसे कि सीरीज ए में बी है बट सीरीज बी में बी इंडेक्स लेबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे वो क्या वैल्यू को प्लेस करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट पुट अ जीरो हियर, सो यू कैन पुट एनी वैल्यू, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी जीरो, यू कैन पुट 10, 20, वट एवर। सो यू कैन प्लेस अ वैल्यू इन विच इट विल एक्चुअली फिल अ पर्टिकुलर वैल्यू एट एन इंडेक्स लेवल विच डज नॉट एग्जिस्ट इन अ सीरीज। सो नाउ इफ आई प्रेस एंटर, अगर मैं अब एंटर प्रेस करता हूं तो जहां जहां पे भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो वहां पे जीरो प्लेस कर देगा। नाउ इफ आई प्रेस एंटर, सो नाउ यू सी दैट इंस्टेड ऑफ शोइंग एन NaN विद द इंडेक्स लेबल बी, इट इज नाउ शोइंग 2.0। द रीजन इज व्हेन वी यूज दिस फिल अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आर्ग्यूमेंट जब हम यूज करते हैं इस एड फंक्शन के साथ। सो व्हेन यू यूज एन एड फंक्शन, बिकॉज इट इज अ फंक्शन, यू हैव टू यूज दिस पैरेंथेसिस। जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वेदर इट इज पाइथन जावा, तो ये याद रखो कि फंक्शन जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये पैरेंथेसिस लगाने हैं। और पैरेंथेसिस के अंदर आप उसको कुछ वैल्यू पास करते हो, उनके बेसिस पे वो काम करता है। तो जो हम वैल्यूज उसको पास करते हैं, चाहे वो कोई सीरीज हो, चाहे वो कोई लिस्ट हो, चाहे वो नॉर्मल वैल्यू हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला जो आर्ग्यूमेंट दिया वो दिया कि कौन सी सीरीज ऐड करनी है सीरीज ए में, और दूसरा जो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया वो दिया कि फिल अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। सो व्हेन यू यूज दिस फिल अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो जो जब आप इस पर्टिकुलर पैरामीटर को या आर्ग्यूमेंट को यूज करते हो ऐड के साथ में, तो जहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जैसे इंडेक्स लेबल में, वहां पे वो जीरो प्लेस कर रहा है। दैट मीन्स इफ यू कम अप, इफ यू कैन सी दिस सीरीज ए एंड बी, यहाँ पे सीरीज ए एंड बी, तो इंडेक्स लेबल बी एग्जिस्ट इन टू बी एग्जिस्ट इन सीरीज ए। तो सीरीज ए के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बी की, बट यहाँ पे बी नहीं है। तो अगर यहाँ पे बी नहीं है और हम एडिशन करते हैं तो बी में वो जीरो इनपुट कर देगा। एंड नाउ बिकॉज उसने हम लोगों ने बोल दिया फिल अंडरस्कोर वैल्यू जीरो, इन दैट केस इट विल एक्चुअली एड दैट टू विद जीरो एंड इट रिटर्न 2.0, so that we have seen here. So if we come down, so we have seen that it returned 2.0. Similarly, it also returned a value for d also. It returned a value for y, जहाँ पे पहले NaN आ रहा था y के अंदर, it returned a value and it also returned a value for the z. The same things can be used while you are subtracting or you are multiplying or dividing. So for example, if I use series a डॉट सब्ट्रैक्ट के लिए यू जस्ट हैव टू यूज एस यू बी, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द सीरीज दैट यू वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सीरीज ए, मतलब सीरीज ए के अंदर में से सीरीज बी की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देन कॉमा, यू हैव टू पास दिस आर्ग्यूमेंट इफ यू वॉन्ट डोंट वॉन्ट दैट NaN, ओके। सो फिल अंडरस्कोर वैल्यू, तो ये याद रखना दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट फिल अंडरस्कोर वैल्यू विच विल रिप्लेस अ वैल्यू इन इन प्लेस ऑफ दैट NaN। So now if you press enter, so you get the output, you no longer have that NaN. Similarly, we can also multiply. So for multiplication, you can use series A dot MUL. MUL is for the multiplication. The first three letters add, sub, mul and div. Okay, then series B, I'll show you the multiplication also. And fill underscore value is equal to zero. Now it multiplied the values, then series A dot div, and if you use series B comma fill underscore value is equal to zero, and if I don't want that zero, instead of that I want something else, so I want one here क्योंकि मैं divide कर रहा हूँ, ठीक है, मैं multiply कर रहा था, multiplication में भी मैं one place कर सकता हूँ ताकि वो one से multiply कर ले, तो यहाँ पे zero return कर दिया because मैं zero से multiply कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको जगह पे वन लिख सकते हो, डिवीजन में भी आई एम पुटिंग वन देयर, जहां पे भी हमारा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नाउ इफ आई प्रेस एंटर, सो यू कैन गेट ऑल द वैल्यू। सो नाउ यहाँ पे जीरो नहीं आया बिकॉज अगर मैं जीरो यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इट वुड हैव डिवाइडेड बाय जीरो, तो इट वुड हैव रिटर्न्ड एन इनफिनिट वैल्यू।
तो वहां पे वो एरर शो कर सकता था। तो यहाँ पे मैंने इसको वन पास कर दिया। सो इट इज अप टू यू व्हाट वैल्यू यू वांट टू पास। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सीरीज रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, थैंक यू।